ऐसा कोई भी नहीं है जो कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हो। मैं भी होता हूँ, मैं ये वीडियो बनाने से पहले हुआ था, इस वीडियो को प्लान करते हुए हुआ था, इस हफ्ते अपना ऑफिस का काम करते हुए हुआ था। कुछ डिस्ट्रैक्शंस अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे घर पे कुछ काम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तुम्हारे डॉग को सुसु जाना है, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। बट मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस अवॉइडेबल होते हैं, जैसे तुम इंस्टाग्राम पे बैठे हो, रील्स देखे जा रहे हो, वो सब चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बट तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वो अवॉइड करनी है। एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन बी बेटर एट इट इन दिस वीडियो। पर पहले थोड़ा सा डीप में समझते तो हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं। देखो, डिस्ट्रैक्शन आने के दो मेजर रीजन है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है इसकी, तुम्हें किसी ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दिया, किसी दोस्त का कॉल आ गया, किसी दोस्त का मैसेज आ गया, मम्मी ने किसी चीज के लिए बुला लिया। सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो कि ज्यादा डिफिकल्ट टू करेक्ट है, वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है कि यार तुम अपना काम करते करते यूट्यूब देखने लग गए कि भाई स्क्रॉल कर लेता हूं, कोई रैंडम वीडियो देखने लग गए और एक घंटा चला गया। यूट्यूब ने तुम्हें नहीं बोला कि भाई आ मुझे देख। काम करते करते मन नहीं कर रहा, किसी दोस्त को कॉल कर लिया और भाई क्या हाल है। या फिर तुम अपना काम सामने खोल के बैठे हो और तुम बस उसको देख रहे हो, बट तुम्हारा दिमाग कहीं और ही है, तुम उस चीज को पढ़ी नहीं रहे हो या तुम इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड ऑल ऑफ दिस इज कि तुम इंटरनली तुम्हारे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा कि यार मैं काम कर लूं और तुम इधर उधर ध्यान जा रहे हो तुम्हारा। पर इस सब का सॉल्यूशन क्या है? पहले इजी वाले को टैकल करते हैं कि तुम्हें एक्सटर्नली बाहर से कोई बोले ही ना कि भाई आ मुझे देख, डिस्ट्रैक्ट हो। आजकल की ऐप्स अंधे नोटिफिकेशन भेजती हैं, दिन के इतने नोटिफिकेशन आते हैं ना फोन पे रैंडम, डोमिनोज, स्विगी, जोमैटो, ये सब तो नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आओ भाई खाना ऑर्डर कर लो। इसके अलावा तुम्हारे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आते हैं, इसने फोटो लाइक किया, इसने मैसेज किया, ऐसी सब ऐप्स है जो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भेजती रहती है। अब अगर मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो और उधर से एकदम से तुम्हारा फोन बजता है टुडू, और फिर तुम्हें क्यूरियोसिटी हो जाएगी ना यार कि क्या है मेरे फोन पे, देखो तो सही किसी का मैसेज आया है, क्या किसी ने लाइक किया है फोटो। ये सब चीजें तुम्हें काम करते करते तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें खींच लेंगी अपनी तरफ। तो इन सब चीजों का तो एक परमानेंट सॉल्यूशन है ही कि तुम आधे से ज्यादा आपके नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। क्या करोगे डोमिनोज की आपसे नोटिफिकेशन मंगा के? अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि तुम सारा सोशल मीडिया, सारी ऐप्स हटाई दो, ऑब्वियसली तुम्हें फोन में ऐप्स चाहिए ही, और ऐसा नहीं है कि तुम सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करके सन्यासी ले लोगे। शायद तुम्हें अभी लगे कि नोटिफिकेशन ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, मेरा खुद ही मन कर जाता है, बट अगर तुम्हें वो बार बार खोलने को ही नहीं बोलेगा, तुम्हें ध्यान ही नहीं आएगा कि अरे किसी का मैसेज आया, किसने फोटो लाइक करी है, तो तुम्हारा इवेंचुअली वो ऐप खोलना ही कम हो जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये ट्रू था। उसके अलावा जब तुम स्पेशली पढ़ने बैठो, कुछ काम करने बैठो या प्रोडक्टिव होने बैठो, तब तुम या तो अपना फोन साइलेंट कर दो और दूर रख दो ताकि तुम बीच में फोन खोलो ही ना या कुछ देखो ही ना, तुम्हें पता ही ना चले कि भाई कुछ मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आया है। बट ये सब तो हो गया इजी पार्ट कि यार हाँ ठीक है, सामने से मुझे कोई नहीं आके बुला रहा कि हाँ यार फोन यूज करना है या कोई वेबसाइट खोलना है या कुछ भी। बट अब आता है डिफिकल्ट पार्ट कि तुम्हारा खुद का जो मन बहक जाता है कि तुमने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, फोन रख दिया साइड में, बट तुमने दोबारा फोन उठा लिया, इंस्टाग्राम देखने लग गए, यूट्यूब देखने लग गए, लैपटॉप पे काम करते करते नया टैब खुला, यूट्यूब खुला, वेस्ट कर रहे हो टाइम, राइट? इस सब को कैसे अवॉइड करोगे? देखो, फर्स्ट चीज इज कि अगर तुम अपना काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इस सब के लिए बहुत अच्छा तरीका है वो जो एफर्ट है फोन उठाने का या नया टैब खोल के यूट्यूब खोल लेने का, उसके लिए एफर्ट बढ़ा दो खुद के लिए। तुम्हें वो चीज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा नॉर्मली से ज्यादा। तुम उस चीज के लिए फ्रिक्शन क्रिएट करो कि जैसे मान लो मैं यहां बैठ के काम कर रहा हूं, मैंने फोन वहां पर रख दिया, तो मुझे कुछ देखना है तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा, फोन उठा के लाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, तो हो सकता है कि मुझे वो करने में ही आलस आ जाए। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम वहां जाओगे फोन उठा के यहीं ले आओगे, तो खुद के लिए एक रूल सेट करो कि अगर मुझे फोन में कुछ देखना भी है तो मैं वहां जाऊंगा, फोन पे देखूंगा और मैं वापस यहां आके बैठूंगा विदाउट द फोन। पर अब सेम चीज लैपटॉप में भी हो सकती है, राइट? कि तुम लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब खोल लिया या फिर तुमने इंस्टाग्राम खोल लिया और तुम देखने लग गए। उसके लिए मैं क्या करता था कि मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब चीजें मैं इनकॉग्निटो में लॉग इन करता था और फिर इनकॉग्निटो बंद कर देता था काम शुरू करने से पहले, जिससे कि मेरा सोशल मीडिया लॉग आउट हो जाएगा तो मेरे को वापस लॉग इन करने में थोड़ा सा और एफर्ट लगेगा, जो कि मैं शायद करूं कि यार इंस्टाग्राम खोला, अरे यार लॉग्ड इन नहीं है, चलो छोड़ो काम पे ध्यान। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम दो प्रोफाइल बना लो अपने कंप्यूटर में, कि एक तुम्हारी वर्क प्रोफाइल है जिसमें तुम्हारा कुछ भी सोशल मीडिया वगैरह लॉग्ड इन नहीं है, एक तुम्हारी फन करने की प्रोफाइल है जिसमें तुम्हारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब चीजें लॉग्ड इन है। तो अगर तुम अपने वर्क वाले प्रोफाइल में हो तो तुम उसको बंद करके कुछ यूट्यूब देखने जाओगे और फिर बंद करके वापस आओगे, तो तुम एटलीस्ट काम करते करते वो बार बार स्विच नहीं करोगे। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा जो गोल होगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि भाई मेरे को ये करना है, कि अगर तुम पढ़ रहे हो 11 12th में हो तो तुम्हें कि IIT करना है, तुम कॉलेज में हो तुम्हें कि मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, सबका कोई ना कोई गोल होगा। गोल सेट करना सबको पता है कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ गोल सेट करोगे मोटिवेट हो जाओगे ऑफ कोर्स, बट उसमें प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है कि वो गोल इतना लॉन्ग टर्म होता है, इतना दूर होता है ना, कि हम उसको एवरीडे लाइफ में विजुअलाइज नहीं कर पाते। एंड जो तुम अभी 2 घंटे बैठ के काम कर रहे हो उसे तुम्हें लगेगा कि मैं तो उस गोल के पास जा ही नहीं रहा हूं, तो तुम्हारा गोल
तो रहेगा ही, उसके अलावा सेट अ शॉर्ट टर्म टारगेट, जो मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा सक्सेस मेट्रिक है कि उस गोल तक तुम पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, उसको मेजर करने का तरीका है कि क्या तुम उस छोटे छोटे टारगेट्स में सक्सेसफुल हो पा रहे हो। अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है कि तुम्हें जॉब लगवानी है अच्छी आफ्टर योर कॉलेज, तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल होगा कि यार मुझे ये जो कोर्स है C++ का मुझे एक कोर्स खत्म करना है, उससे शॉर्ट टर्म गोल होगा कि मेरे को ये चैप्टर आज खत्म करना है, तो जब तुम वो छोटा गोल रखोगे कि यार आज मुझे चैप्टर खत्म करना है, तब तुम्हारा इवेंचुअल मोटिवेशन और ये सब चीजें करने का कि तुम अपना फोन दूर रख दोगे, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दोगे, ये सब चीजें तुम्हारे उसमें हेल्प करेंगी और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। जैसे कि मेरा कल का गोल था कि मुझे कल इस वाले वीडियो की स्क्रिप्ट खत्म करनी है, मेरा आज का गोल है कि मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, मेरा कल का गोल है कि मुझे वीडियो का एडिटिंग फिनिश करके अपलोड करना है। छोटे छोटे गोल थे हर दिन के जो मुझे पता है कि हाँ आज के दिन मैं इतना ही कर सकता हूँ, और मैंने वो खत्म किया ये इंश्योर करके कि भैया हाँ ठीक है मेरे को नहीं खोलना है कुछ भी सोशल मीडिया बीच में। तो बेसिकली द क्रक्स इज कि सेट शॉर्टर टर्म गोल्स, सेट लिमिट्स कि तुम्हारा लंबा गोल ये है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म टारगेट ये है, और उसके लिए एक इवन शॉर्ट टर्म टारगेट है जिसकी टाइम लिमिट ये है कि यार आज के दिन में इस 2 घंटे में मुझे ये करना है। एंड ये चीज इवन मोर इफेक्टिव हो जाएगी अगर तुम्हें पता है कि हाँ यार मेरे को 3 से 6 पढ़ना है क्योंकि 6 बजे मुझे अपने डॉग को वॉक पे लेकर ही जाना है, हार्ड स्टॉप है मेरा। तो अगर तुम 3 बजे बैठे 3:30 बजे तुम यूट्यूब देखने लग गए तो तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे यार शिट मेरे को तो 6 बजे अपने डॉग को घुमाने लेके जाना है, अगर मैं ये करूंगा तो मेरा 6 बजे तक टारगेट पूरा नहीं होगा। पर ये सब टारगेट सेटिंग, ये सब सोचने का मतलब ये नहीं है कि तुम ओवर थिंक करो कि भाई मेरा टारगेट क्या है और आज यही खत्म करना है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे टारगेट्स 100% एक्यूरेट हो। अगर तुम ज्यादा सोचने लगोगे इस सब चीजों के बारे में एक लिमिट से ज्यादा, तो तुम प्रोकेस्टिनेट करोगे कि यार हाँ पहले मैं सोच लेता हूँ फिर कर लूंगा आराम से, जो कि नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट कि हाँ तुम्हारे पास रफ एस्टिमेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब मान लो कि तुमने टारगेट सेट कर लिया, तुम मोटिवेट हो गए, तुमने सारा सोशल मीडिया हटा दिया, सब टैब्स बंद कर दिए, तुम्हारा काम पे फोकस है, बट स्टिल तुम्हारा स्पीड नहीं आ रहा है काम करने में, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यार काम तो बहुत स्लो हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज जो मैं फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है मेरा उससे काम का स्पीड बढ़ जाता है वो ये है कि मैं एक प्रॉपर टेबल चेयर पे काम करता हूँ हमेशा, मतलब डेस्क सेटअप पता ही है। मैं जब भी अपना लैपटॉप उठा के बेड पे बैठता हूँ और ऐसे लेट के टेढ़ा मेढ़ा होकर काम करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा काम का स्पीड काफी स्लो जाता है और मैं थोड़ी देर में ऐसा होता है कि अरे यार मन ही नहीं कर रहा, लेट जाता हूं। एक और चीज जो अफेक्ट करती है दैट इज मोमेंटम। फिजिक्स में आई थिंक लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंटम क्या होता है कि भाई बॉडी चल रही है एंड एक न्यूटन का लॉ है कि व्हाट इज इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। तो अगर तुम अपना काम करने बैठे हो और तुम्हारा काम शुरू हो गया है, तुमने 10 मिनट काम कर लिया, तो तुम्हारा फिर काम से ध्यान हटने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है। बट अगर तुम काम करना शुरू ही नहीं कर पा रहे हो कि यार तुम बैठे हो और तुम सोच रहे हो शुरू करूं या नहीं करूं, कैसे शुरू करूं, तो फिर वो चीजें ना हिलना शुरू ही नहीं होंगी, वो काम होना ही शुरू नहीं होगा। तो जो शुरू का 10-15 मिनट है ना, बस उसमें बैठ के एकदम बस मन मार के काम शुरू कर दो, उसके बाद तुम्हारा काम अपने आप होता जाएगा। इसके लिए कुछ लोग लेना कुछ चीजें वर्क करती हैं। जैसे मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं गाने लगाता हूं अगर, और शुरू के 10 मिनट गाने सुनते हुए थोड़ा सा काम शुरू कर देता हूं, फिर मैं गाने ऑफ कर देता हूं और फिर मैं एकदम प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर काम कर सकता हूं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबके लिए वर्क करेगा, तुम अपने लिए फिगर आउट करो कि यार शुरू का 10-15 मिनट तुम खुद को कैसे मोटिवेट करोगे काम करने के लिए। एक बार वो 10-15 मिनट सीरियसली निकल गए, उसके बाद तुम्हारा काम काफी तेजी से होगा। ऑल्सो तुम अपने लिए फिगर आउट करो कि कौन सा पार्ट ऑफ द डे है जब तुम्हारा वो 3-4 घंटे का जो स्ट्रेच है ना काम का, तुम वो बेस्ट कर पा रहे हो। जैसे मेरा रात में 10 बजे से 1-2 बजे तक का है कि मैं इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में कर लेता हूँ। अपने अपने लिए वो फिगर आउट करो और तुम जो अपने 3-4 घंटे के स्ट्रेच में करने वाले टास्क है ना, वो उस टाइम ऑफ द डे पे करो, तो तुम ज्यादा काम कम टाइम फ्रेम में निपटा पाओगे। तुम्हारे पास हमेशा 4-5 चीजें होंगी लाइफ में करने को, बट यू मेक श्योर कि तुम प्रायोरिटी दो अपने काम को कि हाँ यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहले करूंगा, ये लास्ट प्रायोरिटी पे है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये सबसे लास्ट में करूंगा, ये 5वें नंबर पे करूंगा, राइट। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है कामों का मैं कभी एक अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, बट मेक श्योर तुम अपने काम को इंपॉर्टेंस के हिसाब से उस ऑर्डर में करो। एंड इवन एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस ज्ञान, राइट, अगर तुम्हें स्टिल लग रहा है कि तुमसे काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे में कुछ फॉल्ट है। मे बी वो दिन तुम्हारे काम करने लायक है ही नहीं, लाइक इवन आई हैव दोज डेज जबकि मैं बैठा हूं और मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है कि अरे यार आलस आ रहा है। ठीक है, खुद को ब्रेक दे दो, एक दिन ब्रेक दे दो, कुछ घंटे के लिए ब्रेक दे दो, कुछ दिन के लिए ब्रेक दे दो। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो, मतलब मशीन नहीं है ना, हम सब इंसान है यार, थोड़ा रेस्ट हमको भी चाहिए, मशीन को चाहिए होता है, हमको तो पक्का चाहिए होगा। एंड ऑफ कोर्स रिपीटिंग माय सेल्फ, यार नो वन इज परफेक्ट, सब लोग हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं। मैं डिस्ट्रैक्ट होता है वीडियो बनाते हुए, इसलिए वीडियो लेट आया है। तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो शायद, तुम्हारा कुछ काम करते हुए यूट्यूब पे आ गए,
और इसलिए शायद तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम देख रहे हो चलो यार यही देख लेते हैं शायद कुछ हेल्प कर दे। बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स होप कि हम सब कुछ बेटर कर पाए। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा है एंड आपकी लाइफ में आपके काम में कुछ प्रोडक्टिविटी राइज हो। एंड ऑफकोर्स दिस वीडियो इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, तो अगर आपके कुछ टिप्स हैं टू हेल्प मी एंड टू हेल्प एवरीवन रीडिंग योर कमेंट, लेट देम नो कि तुम क्या करते हो जो तुम्हारे लिए वर्क करता है और लोग क्या कर सकते हैं टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी काम बेटर करने के लिए उनका। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड स्पीड, बाय बाय।